नमस्कार, सीरियस भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है यूपी बुलेटिन में। यूपी बुलेटिन में हम बात करेंगे पहले आगरा की, जहां डीसीपी सिटी सूरज राय के निर्देशन और एसीपी हरि पर्वत आदित्य कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है, जिसमें गैंगस्टर इमरान की 2.80 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। पूरा मामला देखिए विस्तार से। आगरा पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। डीसीपी सिटी सूरज राय के निर्देशन और एसीपी हरि पर्वत आदित्य कुमार के नेतृत्व में हुई ये कार्रवाई। गैंगस्टर इमरान की 2.80 करोड़ की संपत्ति की गई जब्त। आपको बता दें कि शाहगंज और मंटोला इलाके में जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। जुआ और सट्टे के कई मामले दर्ज हैं। गैंगस्टर इमरान और उसके भाई भोला पर पुलिस ने इमरान और भोला पर रखा है 10,000 का इनाम। थाना मंटोला क्षेत्र के टीला अजमेरी खां पर हुई जब्तीकरण की कार्रवाई। देखिए, थाना हरि पर्वत पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 299/24 अंतर्गत गैंगस्टर एक्ट, जिसमें गैंग लीडर इमरान एवं इसके साथी इरफान के द्वारा मिलकर अवैध रूप से अपराध करके संपत्ति अर्जित की जा रही थी, ऐसा प्रकाश में आया। तो उसी में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत धारा 14(1) में आज 4 संपत्तियां, जिसमें से 2 संपत्ति थाना शाहगंज में है, 1 थाना मंटोला में और 1 थाना ताजगंज में है, इन 4 संपत्ति की गैंगस्टर एक्ट के 14(1) सेक्शन के अंतर्गत जब्तीकरण की कार्रवाई आज की जा रही है। इन 4 संपत्ति का जो मूल्य है वो लगभग 2,80,00,000 रुपए आंका गया है। और इसी कार्रवाई के अंतर्गत पूरी पुलिस फोर्स, पहले शाहगंज में 2 मकान है उसको कुर्क किया गया है और मंटोला में इस मकान की कुर्की के लिए हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। विधिक प्रक्रिया के द्वारा प्रॉपर मुनादी करके इस संपत्ति का कुर्कीकरण किया जाएगा। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे और आपको ले चलेंगे गाजीपुर में, जहां थाना नगसर हॉल्ट की संयुक्त टीम द्वारा लुटेरा पुलिस मुठभेड़ में लुटेरों को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से एक सरकारी पिस्टल, 9 MM व लूट का 1,55,000 रुपए बरामद किया गया है। पूरी रिपोर्ट देखिए विस्तार से। गाजीपुर थाना गहमर, थाना जमानिया व थाना नगसर हाल्ट की संयुक्त टीम द्वारा लुटेरा पुलिस मुठभेड़ में घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से एक सरकारी पिस्टल, 9 MM व लूट का 1,55,000 रुपए बरामद किया गया है। बताते चलें कि गत 21 अक्टूबर को थाना नगसर हाल्ट पर लूट का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। लुटेरे अभियुक्त की सुरागर्सी में लगी पुलिस टीम के समक्ष समीर उर्फ इरफान पुत्र इरशाद निवासी कस्बा जमानिया थाना जमानिया, अरमान पुत्र सिद्दीकी कुरैशी निवासी कसाई मोहल्ला जमानिया तथा शिवम पुत्र राजेश गौड़सी मोहल्ला कस्बा जमानिया थाना जमानिया के नाम प्रकाश में आए थे। लुटेरों की खोज में लगी संयुक्त पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान रात में पीली ट्विस्टर गाड़ी व रुपयों से भरे बैग के साथ अभियुक्त समीर पुत्र इरशाद निवासी कस्बा जमानिया थाना जमानिया को गिरफ्तार कर लिया। लूट के संबंध में विवेचक थाना नक्सर हाल द्वारा कड़ाई से अभियुक्त समीर उर्फ इरफान पुत्र इरशाद निवासी कस्बा जमानिया थाना जमानिया द्वारा वादी से लूटे गए बैग, पासबुक व आधार कार्ड के बारे में पूछा गया। अभियुक्त ने बैग में रखे पासबुक आधार कार्ड को सुरहा मोड़ देवल मुलिया के पास फेंकने की बात कहते हुए बरामद करवाने की बात कही है। पुलिस टीम अभियुक्त को लेकर उसके द्वारा बताए गए स्थान की ओर पहुंची ही थी। अभियुक्त ने अचानक उपनिरीक्षक प्रेमनाथ श्रीवास्तव को एक बार की धक्का देकर उसकी सरकारी पिस्टल छीन ली और झाड़ियों की तरफ भागकर पुलिस टीम को निशाना बनाकर फायर करने लगा। इस पर पुलिस टीम द्वारा जवाबी फायर किया गया, जिससे बदमाश के बाएं पैर पर गोली लगी और उसे पुलिस टीम ने धर दबोचा। प्राथमिक उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदौरा भेज दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की गई। आपको बता दें, गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक जमानिया मै टीम, प्रभारी निरीक्षक गैमर मै टीम तथा प्रभारी निरीक्षक नक्सर हाल्ट मै टीम व चौकी प्रभारी देवल शिवपूज बिंद जनपद गाजीपुर शामिल रहे। सर, थाना गहमर क्षेत्र में मुठभेड़ की सूचना है, क्या है पूरा मामला? सर, थाना नक्सर हाल्ट जनपद गाजीपुर में दिन 21 तारीख को मुकदमा अपराध संख्या 39/24 धारा 309(4)(BNS) के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें खास मुखबिर की सूचना के आधार पर 3 मुलजिम प्रकाश में आए। एक इरफान उर्फ समीर, दूसरा अरमान और तीसरा शिवम। जनपद स्तर से और थाना स्तर से कई टीमें बनाई गई थी छानबीन के लिए, जिसमें कि छानबीन के दौरान जमनिया में एक मुलजिम
इरफान उर्फ समीर पकड़ा गया। उसके पास से रुपयों का भरा बैग प्राप्त हुआ जिसमें कि लगभग 155,000 रुपये बरामद हुए। उससे पूछताछ के दौरान बताया गया कि वादी से लूटे हुए बैग, पासबुक और आधार कार्ड उसमें जो है देवल गांव थाना गहमर क्षेत्र के एक घंडहर के पास गाड़ रखा है, छुपा रखा है। उसके द्वारा बताया गया, पुलिस टीम के द्वारा उसके साथ मौके पर जाया गया जहां पर उसने पुलिस टीम के सरकारी पिस्टल को छीना, छीन कर जो है फायरिंग करने का प्रयास किया। जवाबी आत्मसात कार्रवाई में उसके पैर में एक गोली लगी है जिससे कि उसको उपचार के लिए भेजा गया है। उसने दौरान पूछताछ बताया कि थाना सुहलपुर में भी एक घटना उसने घटित किया था जिसकी लूट की घटना को उसने स्वीकार किया। उसको उपचार के लिए तत्काल भेज दिया गया है और अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। थैंक यू सर। गाजीपुर से सीनियर संवाददाता हसन की रिपोर्ट। चर्चा होगी कासगंज की, जहां सहकारी समिति बिलराम पर किसानों ने डीएपी वितरण में धांधली व ब्लैक करने का आरोप लगाया है। क्या है पूरा मामला जानते हैं। जनपद कासगंज की सहकारी समिति बिलराम पर किसानों ने डीएपी वितरण में धांधली व ब्लैक करने का आरोप लगाया है। यह आरोप संबद्ध सचिव धर्म सिंह, सहयोगी नेतराम सिंह व अध्यक्ष पर वितरण में धांधली एवं डीएपी ब्लैक करने का आरोप लगाया है तथा किसानों ने जब हंगामा शुरू किया तो सचिव और अध्यक्ष भाग निकले। समिति पर केवल सहयोगी नेत्राम सिंह तथा एक उपनिरीक्षक ही रह गए। किसानों का कहना है कि रात में डीएपी को ब्लैक किया जा रहा है। आइए जानते हैं इस विषय में समिति के बाहर उपस्थित किसान का क्या कुछ कहना था। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। कहाँ के रहने वाले? ये क्या मामला है यहाँ पर समिति में? सुबह से हम यहाँ परेशान है, 3 दिन हो गए। भागते भागते हमने रोटी तक नहीं खाई, नहीं हमें कुछ दिया। कहते सुबह बांटे, शाम को बांटे, कागज इकट्ठे कर लेते चले जाते हैं। आज सब ब्लैक किए हुए, 100 रुपए लगे, कम से कम 50 रखते। कितने रुपए में? कम से कम एक आदमी से मैंने पूछा, खतरे का आया था 1500 रुपए का, उसने 1500 रुपए का बताया मुझे। जी भगवान सिंह, कहाँ के रहने वाले? करसरी। ये क्या मामला है यहाँ पर? ये मामला ये है कि ये ब्लॉक में बिकवा के एक एक को 10-10 कट्टा, 20-20 कट्टा दे रहे हैं और रात बेच रहे हैं, रात में निकाल रहे हैं। 7:30 बज गए हैं, हम तो यहाँ से। कौन बेचते हैं? अरे हम 2:30 बजे गए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा गाँव सुजातगंज है। 2:30 बजे गए हैं हम रात को। रात बजे पिकअप पड़े रहे हैं, पिकअप है नहीं मिली, नहीं मिली। ये कौन ब्लैक कर रहा है? अधिकारी है साहब, अधिकारी है, अधिकारी। हाँ जी, 100 सचिव का नाम क्या है? सचिव का नाम सेवा के, धर्म सिंह। ये देखो हमारे पास ये सारे समय से लगाए हुए, दिन है भाई। देखो ये किसान की है, उनके किसान भाई जोत भाई हमारे पास सब कुछ है, फिर भी नहीं मिल पा रही। नहीं मिल पा रही, दिन में से काम छोड़ रहे हैं, बात चोट गई है। रात में रखा था कि दिन में रह गई। कासगंज से सिंह न्यूज संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। बात होगी मुरादाबाद की, जहां थाना मझोला बैंक कॉलोनी में युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। क्या है पूरा मामला जानते हैं विस्तार से। मुरादाबाद में युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। ये पूरी घटना थाना मझोला बैंक कॉलोनी की बताई जा रही है। पत्नी के छोड़ जाने के बाद से ही उसने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और काफी परेशान रहने लगा था। बताया जा रहा है कि युवक पहले नगर निगम में गाड़ी चलाता था। वहीं मनोज कुमार उम्र 30 साल पुत्र धनपाल सिंह ने सुसाइड करने से पहले जमकर शराब पी, इसके बाद नशे में धुत होकर देशी तमंचे से अपनी कनपट्टी पर रख कर ट्रिगर दबा दिया। परिजनों ने पुलिस को बताया कि मनोज की शादी हो चुकी है लेकिन उसका अक्सर पत्नी से विवाद रहता था, उसकी वजह से पत्नी से छोड़कर चली गई, इसलिए मनोज ने जान दे दी। वहीं मृतक के पिता का कहना है कि मृतक की पत्नी से भी जमीन का विवाद चल रहा था। आनन फानन में संपत्ति पड़ोस में रहने वाले कुलदीप के नाम कर दी थी, जिसके लिए कुलदीप और देशराज ने 4 लाख रुपए से ज्यादा का चेक भी दिया था। मेरा छोटा भाई चचेरा। कैसे मौत हुई? अब उन्होंने खुद के गोली मार ली। कारण क्या था? कारण क्या, दबाव में चल रहा था वो, उसकी जमीन बिक गई थी, विश्वास में लेकर ना उसके पैसे दिए, उसके चेक दिए हुए थे वो भी उसने लगाने दिए, उसे दबाव में रखा, जेल कटवाते रहे। मेंटली डिस्टर्ब। कौन कौन लोग? जिन्होंने उसकी जमीन लिखवाई, देशराज सिंह और कुलवंत। कहाँ के रहने वाले? हमारे गाँव के पास के मेहमदी। अच्छा, घटना तो मुरादाबाद में हुई जी। यहाँ वो यहाँ नहीं आए, लेकिन उसे इतना डिप्रेशन में रखा कि उसने खुद के ही गोली मार ली। तो अब पुलिस आई थी? पुलिस आई थी।
कार्रवाई की जा रही है जी। सर ये एक व्यक्ति ने सुसाइड किया है, क्या मामला है सर मझोला इलाके में? देखिए आज 9:15 के आसपास SHO मझोला को सूचना मिली कि उनके यहाँ एक खुशालपुर एरिया है, वहाँ पे बैंक कॉलोनी है, वहाँ पे एक मनोज नामक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है। मौके पर तत्काल CO सिविल लाइन सर SHO मझोला पहुँचे, उनके साथ हमारी फील्ड यूनिट की टीम गई और वहाँ पे जाके देखा गया तो उस व्यक्ति ने, मनोज नामक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया था, गनशॉट इंजरी थी उसको। और उससे पूछताछ में पता चला है वहाँ के लोगों से कि ये अपनी, इसकी वाइफ इससे अलग रह रही थी और कुछ अन्य कारण थे, पारिवारिक कारण थे, इसके चलते ये परेशान रहता था और उसी के चलते इसने ये आत्महत्या की है। इसमें पूछताछ की जा रही है और इसमें अग्रिम बताने की कार्रवाई की जा रही है। मुरादाबाद से कैमरा पर्सन आमिर के साथ सीनियर संवाददाता दिलसाद अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।